पुनीत सुपरस्टार इज एवरीवेयर राइट नाउ. जो बंदा कुछ साल पहले एक ट्रॉल था, यूट्यूबर्स उसे क्रिंज बुलाते थे, आज वही यूट्यूबर्स उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं. तुम खुद सोचो, क्या तुम लोगों ने कभी इमेजिन किया था कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो बिग बॉस के विनर एमसी स्टैन को ओवरपावर कर देगा या फिर उनके फैन बेस को ओवरपावर कर देगा. और एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है. और अब तो पुनीत सुपरस्टार ने लेवल अप कर दिया है. एमसी स्टैन को ट्रॉल करते हुए उन्होंने टी शर्ट लॉन्च कर दिया है, एमसी क्रिंज लिखा हुआ. दिस इज क्रेजी. और हाँ, टी शर्ट से याद आया, अगर तुम ऐसे टी शर्ट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप या फिर देसी हिप हॉप से रिलेटेड टी शर्ट बाय करना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो दी साइड चेन से, जहाँ पे तुम्हें अच्छी क्वालिटी में प्रीमियम क्वालिटी की टी शर्ट देखने को मिल जाएंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे. 499 से सिर्फ टी शर्ट स्टार्ट हो रहा है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे चेक कर लेना. COD अवेलेबल है, UPI पेमेंट अवेलेबल है, ठीक है. तो तुम बाय कर सकते हो, ट्रस्टेड और सिक्योर वेबसाइट है, डू चेक इट आउट. ओके, सो ये एग्जैक्टली हुआ कैसे. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार की एक ट्रॉल से लॉर्ड तक की जर्नी. और क्या पुनीत सुपरस्टार सिर्फ एक नॉर्मल से कॉन्टेंट क्रिएटर है या फिर एक इंटरनेट ट्रॉल है या फिर ही इज अ जीनियस. ये बंदा 500 रुपए लेके आपको और आपको हैप्पी बर्थडे विश करेगा. ये बंदा आपसे बात करोगे ना, इसको फोन करोगे तो बोलेगा पहले 500 रुपए पेटीएम करो तो बात करो. काश इंटरनेट पे भी पेस्ट कंट्रोल छिड़क पाते, काश. और ये इसकी बहुत नॉर्मल कंडीशन है, दिन में ज्यादातर तो ये इससे भी खराब स्थिति में रहता है. 2016 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, घर वाले भी मुझे गालियां देते थे. मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट करा और मेरी एक भी वीडियो नहीं वायरल हुई, ना मेरी एक भी वीडियो चली. कैसे संस्था खोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे पूरी दिल्ली के लोग खाना खाने आए. और अभी करेंटली जो हाइप है पुनीत सुपरस्टार की, हर जगह उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, बात किया जा रहा है. क्या ये हाइप फ्यूचर में भी मेंटेन्ड रहेगी या फिर बाकी सेलिब्रिटी के जैसे इनकी हाइप भी कुछ टाइम के लिए है और बाद में खत्म हो जाएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, मजा आएगा वीडियो में, वीडियो को देखते रहो. आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं हम सॉन्ग ऑफ द डे. मस्ती में हूँ रहता, लोगों ने कहा कोई खास बचा, हर गम में भी खुश हूँ मैं, हर पल हूँ मैं लाफिंग बुद्धा. मस्ती में हूँ रहता, लोगों ने कहा कोई खास बचा, हर गम में भी खुश. आर्टिस्ट है अवल और भाई के साइड से हमें तुम साथ हो का ड्रिल वर्जन, रैप वर्जन देखने को मिला है. बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है भाई ने. क्या बोलते हैं, मुझे फ्लो अच्छी लगी, ड्रिल बीट में बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है बॉलीवुड म्यूजिक के साथ. सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट जाकर ड्रॉप करना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो. रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया काम किया है भाई ने, बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं गाना बनाया है. कोई फीडबैक है, अगर तुम कोई कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो भाई के साइड से तो तुम कमेंट में जाके भाई को बता सकते हो, भाई को प्यार दे सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक करना. सो अपने चेहरे पे आटा लगाने से लेकर के सड़कों पे लेटना पुनीत सुपरस्टार के लिए बहुत ही आम चीज है और ये अपने कंटेंट के लिए ये सारी चीजें करते हैं. अगर तो पुनीत सुपरस्टार का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसको चेक करो तो उन्होंने उसमें अभी तक 25,000 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर रखे है. और ये सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इनके तुम्हें और भी ज्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. सो स्टार्टिंग में जब पुनीत सुपरस्टार इंटरनेट पे आए थे तो लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था. लोगों को ऐसा लग रहा था ये कौन पागल है जो ये सब चीजें कर रहा है. और ऐसी चीजें मतलब भाई, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान अगर ऐसी चीजें देखेगा और अगर उस बंदे को पुनीत सुपरस्टार के पर्सनालिटी के बारे में, उनकी मेंटेलिटी के बारे में पता नहीं है तो शायद वो उन्हें पागल ही समझेगा. और एग्जैक्टली ऐसा ही बिग बॉस में भी हो रहा था. अगर तुमने देखा होगा तो बिग बॉस में लोग उन्हें लिटरली पागल समझ रहे थे. मतलब लोगों को आइडिया भी नहीं था कि वो बंदा सिर्फ वो सरकास्टिक तरीके से कर रहा है और वो अंदर से वैसा नहीं है, वो इंसान वैसा नहीं है, बस वो चीजें कर रहा है एंटरटेनमेंट के लिए और कंटेंट के लिए. और पुनीत सुपरस्टार अपने इस कंटेंट को जो वो करते हैं इसे कॉमेडी बुलाते हैं और वो गलत भी नहीं है. अगर हम देखें तो एक कॉमेडी का जॉनरा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है क्रिंज कॉमेडी. सो क्रिंज कॉमेडी इज अ सब जॉनरा ऑफ कॉमेडी दैट ड्राइव्स ह्यूमर फ्रॉम सोशल ऑकवर्डनेस, गिल्टी प्लेजर, सेल्फ डेप्रिशिएशन, आइडियोसाइकेट्रिक ह्यूमर एंड पर्सनल डिस्ट्रेस. ए टाइप ऑफ क्रिंज कॉमेडी आर सूडो रियलिटी टीवी शो समटाइम्स विद एन एयर ऑफ अ मॉक डॉक्यूमेंट्री. सो पुनीत सुपरस्टार और
लॉट जो करते हैं हम इसे क्रिंज कॉमेडी का नाम दे सकते हैं, बट एक चीज है जो पुनीत सुपरस्टार और कुछ और कंटेंट क्रिएटर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हमें पास्ट में देखने को मिले हैं, जो वायरल हुए हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखाता है। पुनीत सुपरस्टार इंटरनेट पे बहुत टाइम से है, मतलब एक साल दो साल से हम उन्हें इंटरनेट पे रेगुलर देख रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेट ट्रोल्स जो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं या फिर उनके ऊपर मीम्स बनाया जाता है, वो तुरंत इंटरनेट से गायब भी हो जाते हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पुनीत सुपरस्टार के केस में एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से इसका मेन रीजन ये है कि पुनीत सुपरस्टार ने अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर तुम पुनीत सुपरस्टार को नहीं जानते हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, या फिर अगर तुमने पुनीत सुपरस्टार के बारे में कुछ नहीं सुना है पहले, और अगर मैं तुम्हें उनका वही कंटेंट दिखाता हूं जो वो अपलोड करते हैं, तो तुम शायद उसे बोलोगे भाई ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास कंटेंट बना रहा है ये बंदा। ऑन द अदर हैंड अगर तुम पुनीत सुपरस्टार के पर्सनालिटी को जानते हो कि भाई ये बंदा सरकैज़म करता है, ये सरकास्टिक है, ठीक है, अगर तुमने उन्हें बिग बॉस में फॉलो किया था, अगर तुमने अगर उनके कुछ पॉडकास्ट आए हैं, इंटरव्यूज आए हैं, अगर तुम उसको देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो चीजें ये करता है ये सिर्फ कंटेंट के लिए करता है, मजाक में करता है, ठीक है। और जब तुम उनके पर्सनालिटी से अच्छे से वाकिफ हो जाओगे, ठीक है, और जब एग्जैक्टली लोगों के साथ भी ऐसा होने लग गया, जब लोगों को रियलिटी पता चली उनकी पर्सनालिटी की, भाई ये बंदा जो पैसे कमाता है उस पैसे से गरीबों को खाना भी खिलाता है और बहुत सारी चीजें है, तो लोगों के अंदर एक सिंपथी, एक अट्रैक्शन या फिर तुम बोलो कि एक पर्सनालिटी कनेक्ट आने लग गया, और लोगों ने पुनीत को, पुनीत कुमार को पुनीत सुपरस्टार बना दिया, लॉर्ड बना दिया। ओके, सो अब ये सवाल हम पूछ लेते हैं, क्या पुनीत सुपरस्टार एक इंटरनेट क्लाउन है या फिर एक जीनियस है, ठीक है। देखो, ये मैंने जोगिंदर के केस में एक वीडियो बनाया था और वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो इंटरनेट पे इन सब चीजों की वजह से वायरल होते हैं, नॉट लाइक अ प्रॉपर कॉन्टेंट क्रिएटर, लाइक ऐसे कॉन्टेंट्स हैं, तुम समझ रहे हो, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इन लोगों को, हम लोग को लगता है कि शायद ये लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है या फिर इन लोगों के पास भाई थिंकिंग ब्रेन नहीं है, ये उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे हैं, बट हम बहुत हद तक गलत होते हैं भाई। इन लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि इन्हें क्या कंटेंट बनाना है जो कि इन्हें वायरल करेगा, जो कि इन्हें पैसे बना के देगा। जोगिंदर भी एग्जैक्टली यही करता था, वो बंदा एग्जैक्टली मौका ढूंढता था कि कब मौका मिले और कब मैं इंटरनेट की हाइप जो है वो कैश इन कर लूं, चाहे यूट्यूबर को डिस करना हो, चाहे रैपर्स को डिस करना हो, ठीक है। उसे एग्जैक्टली पता था वो क्या कर रहा है और उसे कैसे अपनी हाइप बनानी है। और एग्जैक्टली अभी तुम, जब मैंने एक दो साल पहले वीडियो बनाया था और अब तुम जोगिंदर भाई के इंटरव्यू देख लो, वो एग्जैक्टली वही बात बोलते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली पुनीत सुपरस्टार के साथ भी वही केस है, इसे एग्जैक्टली पता है इंटरनेट कैसे काम करता है, एल्गोरिदम क्या है, कौन सा कंटेंट इंटरनेट पे चलेगा, कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा। पुनीत सुपरस्टार ने एमसी स्टैन को सपोर्ट किया था जब एमसी स्टैन बिग बॉस में था, उसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे एमसी स्टैन की हाइप थी, इसलिए एमसी स्टैन को उन्होंने सपोर्ट किया। करंटली पुनीत सुपरस्टार की हाइप है, इसलिए पुनीत सुपरस्टार चल रहा है। चाहे वायरल टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट बनाना हो या फिर अपनी करियर की सबसे पीक टाइम पे अपना मर्च लॉन्च करना हो, ये कोई जीनियस ही कर सकता है। सो पुनीत सुपरस्टार इज नॉट ए क्लाउन, ही इज अ एब्सोल्यूट जीनियस, जिसे एग्जैक्टली पता है कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है। अब ये सवाल आता है कि क्या पुनीत सुपरस्टार की जो अभी हाइप है, क्योंकि कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने मिलियंस में फॉलोअर्स गेन कर लिया इंस्टाग्राम पे, सो सवाल ये है क्या ये जो हाइप है ये मेंटेन रहेगी, क्या पुनीत सुपरस्टार अभी जितने पॉपुलर है, अभी जितना उनपे कंटेंट बन रहा है, जैसे अभी मैं उनके ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, क्या मैं उनके ऊपर सालों भर बात करता रहूंगा। जवाब है बिल्कुल भी नहीं, और ये हर इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ कभी ना कभी होता ही है। तुम किसी भी इंटरनेट सेलिब्रिटी का एग्जांपल उठा के देख लो, चाहे वो एमसी स्टैन हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट हो जो कि रियलिटी टीवी शो से या फिर इंटरनेट से सडन पुश हुआ है, उसका हमें डाउनफॉल देखने को मिला ही मिला है। और ये जो बात है ना, या कहीं ना कहीं पुनीत सुपरस्टार भी जानते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि अभी मौका है, अभी जितनी हाइप है वो कैश इन कर लेते हैं, अभी जो भी प्रॉफिट है वो बना लेते हैं, फ्यूचर में शायद अभी जो हाइप है वो रहे या फिर ना रहे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पुनीत सुपरस्टार बिल्कुल ही वैनिश होंगे इंटरनेट से। पुनीत सुपरस्टार हमें
बहुत टाइम तक दिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे बाकी सेलिब्रिटी या फिर बाकी ट्रॉल्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है, जैसे रानू मंडल हो गए या फिर हिंदुस्तानी भाव हो गए, ये सब एग्जैक्ट पूरे गायब हो गए। हिंदुस्तानी भाव भी बिग बॉस में गए थे, बट उन्होंने भाई क्या मतलब नहीं मजा आया था उनका बिग बॉस में, उन्होंने जो भी किया था, ठीक है। बट मुझे लगता है पुनीत सुपरस्टार स्टे करेंगे। हाँ, उनकी हाइप कम होगी क्योंकि भाई वो हर कंटेस्टेंट हर सेलिब्रिटी के साथ होती है, ठीक है, बट वो स्टे करने वाले हैं। लॉर्ड इज गोइंग टू स्टे। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द क्यूरियस केस ऑफ द डिस्कशन ऑन पुनीत सुपरस्टार। बाकी भाई अभी पुनीत सुपरस्टार इंटरनेट पे चल रहे हैं तो भाई उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। जो लोग कमेंट करने वाले हो भाई, डीएचएच कंटेंट क्रिएटर हो, डीएचएच कंटेंट कहाँ है, तो भाई एक आध वीडियो एडजस्ट कर लो, मिल जाएगा डीएचएच कंटेंट, अगला वीडियो डीएचएच पे ही होगा, ठीक है। बाकी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर लॉर्ड के फैन हो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दो लॉर्ड, और अगर टी शर्ट बाई करना चाहते हो स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप, इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। बाकी हाँ, और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, 10 से ज्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मैंने कोलैबोरेशन किया है ग्राफी बाय अनअकैडमी के साथ, हम मिलके एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लेके आए हैं। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, म्यूजिक स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, तो इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, और ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, ये प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। एक्चुअली इसकी प्राइस 2000 रुपीज है, बट हम लोग ने फिलहाल में ये 999 पे दे रहे हैं। तो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो बिगनिंग से, अगर तुम बिगनर हो, ज्वाइन कर लो कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।